मेरे घर में कभी कभी आती है ये खुशबू चाय वाली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। ये ब्लॉग कंटिन्यूशन में है लास्ट ब्लॉग के, यानी कि अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इवनिंग ब्लॉग। उसी दिन का ब्लॉग है, मैंने दही जमाने रखी थी मॉर्निंग में, तो अभी ये जम गई है। अभी लगभग 4:30 बज रहे हैं, बल्कि ये मुझे 2-3 बजे निकाल देनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने 11:30 के आसपास जमाई थी। तो बस अभी ये जम चुकी है, तो इसको रखूँगी फ्रिज में। ये देखिए दही जम गई है बहुत अच्छे से, तो इसे 4-5 घंटे में ना अच्छे से जम जाती है। जब मुझे मैं देख लेती हूँ बीच में कैसे, और ये बीन्स कटी हुई हैं, इनको रख दूँगी स्टोर करके। दिन में बस ये काम हुआ मेरा आज। यहाँ फ्रिज में से मैं देख रही हूँ कुछ सामान, ताकि कुछ एडजस्ट करके शाम के लिए कुछ बना लें, ताकि थोड़ी सी जो भूख लगती है ना शाम को हल्की सी, वो भी सेटिस्फाई हो जाए और जो भी खाएं वो थोड़ा सा हेल्दी भी रहे। तो वही कर रही हूँ, वो कुछ सामान निकाल के लाई हूँ। साथ ही आज थोड़ी सी थकान हो रही थी, तो चाय बनाने का मन था, तो चाय भी चढ़ा दूँगी। मेरे घर में कभी कभी आती है ये खुशबू चाय वाली। आज पता नहीं कि थकान सी महसूस हो रही थी, तो मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं, और अच्छी लगती है मुझे चाय पत्ती जब खोलती है ना उसकी खुशबू। और ये अदरक सारा मैंने ना, अदरक का जो छिलका होता है पील किया था परसों के ब्लॉग में आपने देखा होगा, वो सारे छिलके मैं सुखा देती हूँ, उसी को चाय पत्ती के डिब्बे में मैंने डाला हुआ है, और इसी को इसमें यूज़ करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, है जैसे मैं चाय रखती हूँ, और ये सारे इसमें चाय पत्ती के जो छिलके हैं मैंने डाल दिए हैं इसमें। मोटा मोटा ही पील करती हूँ इसलिए भी ना, थोड़ी मेहनत उसमें भी कम लगती है, और ये स्टोर हो जाता है इस तरह से। चाय बनती भी कम है ना, तो कभी ऐसा हो कोई आ जाए चाय बनाने और अदरक ही ना हो, कई लोगों को अदरक की चाय पसंद होती है, आजकल तो कौन ही आएगा, लॉकडाउन में बस यही है, इसीलिए लाइफ ना उल्टी सुलटी चल रही है। ये मैंने यहाँ पे एक हरी चटनी बना ली है, ये सैंडविच के लिए बहुत अच्छी रहती है, इसीलिए ये ड्राई ड्राई बनाई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया और खटास भी इसमें नहीं डाली है मैंने, जस्ट थोड़ी सी तीखी बनाते हैं इसको, ताकि सैंडविच पर स्प्रेड की तरह लगा पाए। बट अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं जब चटनी बनाती हूँ तो इस तरह की बनाकर रख लेती हूँ, ताकि जब भी सैंडविच बनाना हो तो इसको यूज़ कर सकें। अभी जो जार में मेरे पास चटनी है, इसमें काफ़ी चटनी बच गई है, तो उसमें थोड़ा सा धनिया मैं और डाल रही हूँ, और आपके साथ एक शेयर किया था मैंने पनीर वाला स्प्रेड, वही बना रही हूँ, कि पनीर का एक छोटा सा पीस मेरे पास रखा हुआ है, तो मैंने कहा ये अकेला कहीं यूज़ भी नहीं होगा, तो इसका स्प्रेड बना के इसी को ब्रेड पर लगा के बनाएंगे टेस्टी से सैंडविच। तो यहाँ पे पनीर इसमें डाल दिया है, और इसके साथ मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया, वैसे चटनी में नमक था, तो जितनी भी तीखा वगैरह आप चाहते हैं, अगर इसको आप चटनी नहीं बना रहे सिंपल बना रहे हैं, तो धनिया पनीर और उसमें थोड़े से
मसाले आप ऐड कर दें जो भी आपको पसंद है वो। यहाँ पर चाय भी मेरी बन गई है तो उसको मैं दूसरी गैस पर शिफ्ट कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी कॉलती रहेगी। और यहाँ पर मैंने रख दिया है तवा, तवे पे मैं डालूँगी बटर और ब्रेड को सेक लूँगी, हल्का हल्का क्रिस्प करेंगे। हमारे घर में कुछ लोगों को प्लेन सिंपल पसंद है सादी, और कुछ को क्रिस्प, तो मैं हूँ क्रिस्प वाली, और बाकी बेटे को और हस्बैंड को उनको सॉफ्ट ब्रेड पसंद है, तो उसी हिसाब से मैं सेक लूँगी। जो ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगी वो मैं यूज़ करती हूँ, और इस तरह से ही चलता है। तो यहाँ पर इस तवे पर चार स्लाइसेस इस तरह से आ जाएंगी, तो ये चार स्लाइसेस मैं इस तरह से सेक लूँगी, तब तक हमारी चाय भी बन जाएगी। तो चाय यहाँ पर एक कप में निकाल देती हूँ पहले, क्योंकि अब इसमें चीनी नहीं डाली है मैंने, तो एक फीकी निकालूंगी और उसके बाद चाय को करने दूंगी, उसके साथ मीठा ऐड कर दूंगी। यहाँ पर ये ब्रेड स्लाइसेस भी सिक गई हैं, इसके बीच में जो स्प्रेड बनाया है मैंने, ये मैंने लगा दिया है, और आप देखिए कितना बढ़िया और थिक स्प्रेड ये बनता है, और टेस्ट में भी काफ़ी अमेजिंग लगता है। बच्चों को आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, पनीर तो बच्चों को फेवरेट होता ही है। तो बस इस तरह से ये स्लाइसेस मैंने एक के ऊपर एक रख देती हैं, बीच में लगाया है ये स्प्रेड, और इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये क्रिस्पी से टोस्ट या सैंडविच जो भी आप इन्हें बोलें, काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसी छोटी छोटी, भूख के लिए भी और हेल्दी भी हैं। कई बार ब्रेड होती है घर पे, पनीर भी इतना नहीं होता कि उसके कोई सब्जी बनाए या फिर उसका कोई पराठा बनाए, तो बस इस तरह से आप इसका स्प्रेड बना लीजिए और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें तीखापन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर तीखा खाते हैं तो ग्रीन चिली वगैरह खूब डाल सकते हैं, और हरा धनिया डाल दीजिए खूब सारा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा ये। और मैंने ओपन सैंडविच भी दिखाए हैं आपको इस स्प्रेड के साथ में। तो बस ये हमारा इवनिंग स्नैकिंग के रेडी हो गया है, चाय भी बन गई है, और उसके बाद हम निकल पड़े थे थोड़ी सी वॉक के लिए। अंधेरा ही हो गया है, आप देख सकते हैं उस तरफ आपको येलो येलो दिख रहा होगा, वो सनसेट हो रहा है, और यहाँ पे गलियों में बिल्कुल अंधेरा हो गया है और काफ़ी शांत रहता है आजकल, कोई आता जाता नहीं है, इक्के दुक्के लोग कुछ देखते हैं हमारी तरफ वॉक करते हुए, और सबका अपना अपना अलग अलग टाइम है। जैसे इस टाइम हम निकले हैं तो इस टाइम हम ही दिख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, और बाकी कोई नहीं है। कुछ लोग थोड़ा सा पहले निकलते हैं, कुछ लोग डिनर के बाद निकलते हैं, ऐसी ही है। तो अब वही है कितना टाइम कोई अंदर रहे, और हम लोगों का जो एरिया है ना वो काफ़ी अंदर की तरफ है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है, बहुत ही कम लोग बाहर निकलते हैं, बस ये डॉग्स ही रोड पर दिखते हैं और कोई नहीं। झिंगुर की आवाज, ये है पार्क, अभी अंधेरा हो रहा है, दिखेगा नहीं। और यहाँ पे इतने पेड़ हैं कि बस आपको झिंगुर की आवाज ही आएगी बस, या फिर डॉग्स हैं उनकी भौंकने की आवाज आएगी।
हेलो डर रहा हूँ इसका एक साथ भोगना शुरू काटे ना काटना खड़ी पत्ता आज आनंद कर रहा है कुछ एक्सपेरिमेंट. ये क्या है एग. ओके इसमें क्या डालोगे विनेगर. ओके अच्छा ये सिंथेटिक विनेगर ठीक है. कितना डालना है बस अंडे को कवर करना है. अंडा तो ऊपर आ जाएगा नहीं ठीक है ठीक है. हाँ ये ना फ्रेश एग नहीं है पर ये विनेगर है बॉटल में तैरता ना. अब सो कितने टाइम रखना है ऐसे अराउंड एक दो घंटे. एक दो घंटे मतलब डिनर के बाद चेक करें इसको. चलो ठीक है कुछ हो तो रहा है रिएक्शन है ना देखो हो रहा है मतलब हो गई बबल्स. एक्चुअली पोरस होता है ना ये तो ये अंदर जा रहा है इसके विनेगर खट्टा हो जाएगा ये और ये कच्चा है फिर खाना है किसको मुझे लगा रेसिपी बना रहे हो तुम कुछ. ये सच में कुछ हो रहा है बबल बबल सो लगा के छोड़ दो टाइम लैप्स बाहर से तो चेंजेस नहीं होंगे ना इसमें. क्यों नहीं होगी बाहर से. बाहर से ही होगा ग्रीस की निकलेगी उसके अंदर उसकी गायब हो जाएगी खुद से ही बड़ा बड़ा सा बनेगा फिर वो. अरे नहीं है ना. हाँ हाँ रिएक्शन जब करने जा रहे हो पढ़ के सुना दो. विनेगर इज एन एसिड. If you soak an egg in vinegar, an eggshell will absorb the acid and break it down or dissolve. The calcium carbonate will become carbon dioxide gas, which will go into the air. Okay, action hona shuru ho gaya. Day 2. Isko 24 hours ho chuke hai na? Haan. Theek hai, chalo. Kya karna hai next process? Dhona hai bas. Dhona? Hey, bhai. बस इसके लिए निकलेगी इसकी निकल चुकी है निकलेगी कब निकलेगी ये सारा देखा ये जो है इसमें पूरा निकला भी इसने वहाँ से एक जगह से ट्रांसपेरेंट हो पूरा खुद रबड़ एक हो गया पूरा ये इसको थोड़ा और रख सकते हो ना क्योंकि कितना बाउंसी हो गया और इसमें बिल्कुल भी कैल्शियम दिख नहीं रहा है. अनंत इसको चांस से भी फटने का डर लग रहा है ना इसका. ये कुछ कर बना रहा है. A few moments later. इसको ऐसे रब कर रहे हैं ना तो इसका कैल्शियम निकलता जा रहा है ट्रांसपेरेंस हो जाएगा. इसको थोड़ा सा और रखो विनेगर में ना. रखो इसको और एक रात रख देते हैं सुबह देखेंगे इसका असर ये देखो कैल्शियम कैसे निकल रहा है. अरे इस तरह से स्किन स्किन निकलती जा रही है. अच्छा अब करो फिर दिखाना इसको कैसे होता है. ये देखिए अंडे का क्या हाल हो गया बाउंसी बाउंसी जितना अच्छे से रगड़ना था ना इसको बॉली लग रही है. तो ये हैं लॉकडाउन के साइड इफेक्ट. बच्चे भी क्या करें कुछ ना कुछ तो करेंगे ही. तो ये एक दिन छोड़ के हमने ये क्लिप ली थी जो मैंने हाथ पे ऐड की है. यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ डिनर. डिनर मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है. सब्जी मैं बना के गई थी वॉक करने तो अब यहाँ पर बूंदी का रायता बना रही हूँ. रोटी बनाऊँगी और उसके बाद करेंगे हम डिनर. तो बूंदी के कुछ पैकेट्स ले आई थी मैं. आजकल हल्दीराम वाला मिल नहीं रहा है तो ये लोकल वाली बूंदी है तो ये मैं ले आई थी और इसी को लेकर मैं यहाँ पर रायता बनाऊँगी. तो सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लूँगी. मैं इसमें सिर्फ काला नमक और जीरा पाउडर डालती हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर बस और बूंदी. सिंपल ये ऐसे ही बनाती हूँ मैं ये रायता. कभी होता है तो पुदीना पाउडर इसमें ऐड कर देती हूँ अदरवाइज़ ये सिंपल ही अच्छा लगता है. तो यहाँ पर बन रहा है रायता अभी.
जयश्री पंडित ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप रोटी किस तरह से एक साथ बनाती हैं, तो मैं अक्सर नहीं बनाती इस तरह से, नॉर्मली तो मैं बुला लेती हूँ और एक के बाद एक रोटी बनाती रहती हूँ, बट कई बार होता है सब लोग अपने काम में बिजी हैं, मैं आवाज़ दे रही हूँ कि आज ये खाना खा लो खाना खा लो, तो नहीं कोई आता, तो मैं देखती हूँ कोई नहीं आ रहा, तो मैं रोटियाँ एक साथ ही इकट्ठी करती रहती हूँ तवे पर, और फिर जब सब आ जाते हैं उनकी प्लेट लगा देती हूँ, साथ के साथ सेक के दे देती हूँ। तो यहाँ पर इसको करने के लिए मैं क्या करती हूँ, रोटी जैसे ही मैंने डाली एक तरफ से हल्की सिक गई, दूसरी तरफ पलट, दोनों तरफ से जब वो रोटी सिक गई फिर दूसरी रोटी डाल दी, बस तवे से हटानी नहीं है, वो तवे के ऊपर ही रखनी है। इसी तरह से हर रोटी को दोनों तरफ से सेकना है और एक के ऊपर एक स्टैक करते जाना है। इस तरह से आप 3, 4, 5, 6, 7 रोटियाँ भी बना सकते हैं, जैसी भी आपकी फैमिली में बनती है। मेरे घर में सिंपल बनती ही 5-6 रोटियाँ हैं। तो ये इस तरह से करने के बाद जो आपकी पहली रोटी है उसको फिर आप इस तरह से सेक लें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से, और जो लास्ट रोटी आपने डाली है उसका भी ध्यान रखें, उसको भी पलट लें बीच में। तो इस तरह से कई बार रोटियाँ फूलती हैं, कई बार नहीं फूलती क्योंकि मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं। तो ये सिंपल सा तरीका है, अगर आप इसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो आपकी सारी रोटियां फूल सकती हैं। मैं कभी कभी इससे ट्राई करती हूँ जब मुझे लगता है, जो मैंने आपको रीज़न बताया, तब मैं इस तरह से करती हूँ, पर रोटियां अच्छी बनती हैं, ऐसा नहीं कि फूली हुई रोटी जो नहीं होगी उसका टेस्ट अलग आएगा। तो बस ये तरीका है इन रोटियों को बनाने का, क्विक हो जाती हैं और आप फटाफट से गर्मा गर्म सर्व भी कर सकते हो। तो बस इसके बाद हमने कर लिया डिनर, और डिनर के बाद रात में इतना ज़्यादा तूफान आया ना, ये आपको क्लिप दिखा रही हूँ, इतनी ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, आजकल रोज़ मौसम यहाँ पे चेंज होता है। चलिए, ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी अपना खूब सारा ध्यान रखिए और अपने अपने घरों में रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ब्लॉग देखते रहिए। बाय।